लेकिन क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये भी तिमनासा की कोई चाल हो सकती है? आप कहना क्या चाहती है मस्ती परी? हो सकता है कि तिमनासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो कि पहले देबू को बचाया जाए या तिमनासा की जान ली जाए या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है और इस समय मेरे लिए तिमनासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देबू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है, आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देबू भैया को फ्री कराता हूँ। चलो परियो। रुको, तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देबू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन शौर्य। लेकिन क्या विवान, सोचो अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिमनासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। कितना नाटक करोगे तुम देखो, हमें बताए तुम ही बालवीर हो और तुम ही नकाब पोश हो। इसलिए कह रहा हूँ तिमनासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का भैराजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। मतलब तुम मान गए कि तुम बालवीर ही हो? तिमनासा से इस दुनिया को आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार। अब मैं बालवीर को जाके सब बताऊंगा और वो बजाएगा तुम लोगों की पुंगी। लेकिन शौर्य आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तिमनासा को मारने के चक्कर में कहीं देबू भैया की जान चली गई तो? मुझे यकीन है कि अगर देबू की यादाश्त बाकी होती तो वो अपनी इच्छा से इस दुनिया के 700 करोड़ जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता। शौर्य, किसी बेगुनाह की जान लेकर जीतना ये तो हमारी सोच नहीं है, काल लोक वालों की है। मैंने फैसला कर लिया है कि लड़ाई जीतने के लिए अगर नियम तोड़ने भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। शौर्य बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं, कहीं उसके पीछे कोई हिंट तो नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब सिर्फ 22 पलों का समय बाकी है, इसलिए जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, वरना वो विस्फोटक फट जाएंगे और उसमें से निकलने वाली जहरीली हवा पूरी दुनिया के ऊपर घना बादल बनकर छा जाएगी, एक भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा।
के पैतरे आजमाने बंद कर दो। बहरानी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं इस बालवीर की असलियत निकालने निकालते आपके प्राणों को कुछ ना हो जाए। चंदाली, बालवीर, विवान, ये परियां, इनकी कमजोरी है, ये अपने दिल से बहुत काम लेते हैं, और अपने दिल की सुनने के बाद ही मुझे अच्छे से पता है कि वो यहाँ इसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब वो लोग कभी नहीं आ सकते। मैं कहाँ छुपूँ? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाकर विस्फोटकों की रक्षा करो। अरे, नागिनी अकेले के लिए जाएगी, मैं भी चलता हूँ ना। अरे नागिनी, नागिनी और चपताली एक साथ? नहीं नहीं, रुक चपताली, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। अब बहुत जल्दी इस देवू का सच सामने आ जाएगा। मेरे सारे विस्फोटक गोले, इन सबको नष्ट करने का समय नहीं बचा हमारे पास। मुझे लुक-लुक जादू से सबको गायब करना होगा। मैं इन जहरीले गोलों को अभी पानी से नष्ट कर देती हूँ। नहीं, 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 नहीं। बिना इजाजत के किसी के बगीचे के फल तोड़ना अच्छी बात होती नहीं है ना मस्ती परी? फिर तुम हमारे इस बगीचे के फल क्यों तोड़ रही हो? भगोड़ी कहीं की। अरे मस्ती मरी, देखो मैं छोटा सा नंदा सा प्यारा सा तो बांधा बाहू मुझे बात। नन्नी उंगली की कसम पानी परी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद करो वरना तुम्हारी जिंदगी का वो बुझा दूंगा। अरे विवान, तुम आ गए। विवान जल्दी से इस बक्से के अंदर उस निशाचर पक्षी को मार दो जिसके अंदर तिमनासा की जान बसी है। मार दो उसे, फिर सारी फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। वैसे विचार बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ तो जरा कि तुम उस असली निशाचर पक्षी को कैसे ढूंढोगे? क्योंकि दुनिया में तो ऐसे हजारों करोड़ों निशाचर पक्षी हैं। अब बताओ विवान, तुम 15 पलों में कैसे ढूंढोगे उस असली निशाचर पक्षी को? है हिम्मत तुम में? अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिमनासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बेबू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी सोचो तुम्हें क्या करना है।
चाहे शौर्य मेरी शक्तियां ही क्यों ना छीन ले, मैं देवी भैया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बचो विमान, विमान बचो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है देवू। तुम्हारा छोटा भाई पिट रहा है और तुम यहाँ पर लाचार होने का नाटक कर रहे हो। अगर चाहते हो कि वो जिंदा बचे तो आ जाओ अपने असली रूप में। भैमार उसे मार देगा देवू। और उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये छोटा सा बच्चा आखिर कब तक लड़ता रहेगा काल लोक के इस योद्धा से? अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है देवू। अपने बालवीर के रूप में आ जाओ। आंटी, वहाँ क्या घुसर पुसर कर रही हो? मुझसे बात करने में डरती हो क्या? इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। भैया, मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सब कुछ नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाब पोश नहीं आया, इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं।
तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया। निशाचर पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना दिमनासा, अपनी जान पे दाव खेलना बेवकूफी है। करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिमनासा तुम्हें अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाती है। रिलैक्स, ये रहा तिमनासा के लेजर का आंसर, कैच। ठीक है। अरे थैंक यू, तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, तो उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बजा दी। हा? अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया?
अगर देवू को ये नकाबपोश नहीं है तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।